बैक टू my यूट्यूब चैनल that इज सेवी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स कल मैंने आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चन शेयर करे हुए थे एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं ठीक है तो उसमें से वैशाली ने मैं मुझे सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिख के भेजे थे एंड उनके बहुत सारे क्वेश्चन सही थे एंड कुछ क्वेश्चन उनके गलत भी थे कुछ आंसर्स उनके गलत भी थे ठीक है लेकिन उनका अटैम्प्ट अच्छा था उन्होंने एफर्ट किया था तो इसलिए धीरे धीरे वो अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे तो उनका जो प्रेपरेशन है वो और अच्छी हो जाएगी ठीक है सो वेल देन गुड जॉब एंड अभी हम यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स थे उनको देख लेते हैं एंड जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था वो था ऑल आर कार्डियोटॉक्सिक एक्सेप्ट तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन थे एंड इसमें आपको बताना था कि कौन सा कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन नहीं है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका एकोनाइट, ओलियंडर एंड निकोटीन है ये तीनों ही आपके कार्डियोटॉक्सिक पॉइज़न्स होते हैं लेकिन जो आपका ओ है ये आपका कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन नहीं होता है जो ओ होता है ये आपका न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है इसलिए जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ ओ ठीक है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पहले इसके जो कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो so, सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन्स क्या होते हैं सो so, वो सारे के सारे पॉइजन जो कि आपके कार्डियक का डैमेज कॉज करते हैं जैसे कि आपने कोई भी पॉइजन इनटेक किया किसी भी मीडियम में मीडियम से तो जितने भी पॉइजनस रहते हैं जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड आपके हार्ट की ब्लॉकेज को हार्ट की फंक्शनिंग को स्टॉप करते हैं आपके कार्डियक अरेस्ट या फिर जितना भी आपके हार्ट की फंक्शनिंग होती है उससे रिलेटेड डैमेज कॉज करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियक पॉइजन ठीक है तो इनके बारे बहुत में बहुत डिटेल में कि इनकी क्या फंक्शनिंग रहती है किस किस ऑर्गेन पे किस किस जगह पे ये डैमेज कॉज करते हैं तो वो सारा का सारा इसको डिटेल में बहुत अच्छे से हम जब समझेंगे जब हम इसको टॉक्सिकोलॉजी को पूरा डिटेल में स्टार्ट करेंगे ठीक है एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉमेशन दे रही हूँ यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं तो ये सारे के सारे इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि आपके नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में क्या रहता है आपको एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं एंड फिर आपसे पूछा जाता है कि ये किसका एग्ज़ाम्पल है वो किसका एग्ज़ाम्पल है या ये किस कैटेगरी में फॉल करता है तो वो सारा आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर आपके सामने एक पूरी लिस्ट है जिसमें मैंने आपको जितने भी कार्डिक पॉइंस बेसिक बेसिक कार्डिक पॉइंस होते हैं उनके मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स दे रखे हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देंगे ठीक है आप एटलीस्ट इनको एक से दो बार रीड करिएगा ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में धीरे धीरे फीड होने लगेंगे ठीक है इनको रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करेगा क्योंकि आप इसको ये सोच के याद करेंगे आपको इसको याद करना है तो कभी नहीं याद होगा इसको बस एज़ इट इज़ दो से तीन चार बार आप इसको धीरे धीरे कई बार इसको जब आप रिवाइज करेंगे तो अपने आप से ही सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी ठीक है तो ये होगा यहाँ पर कार्डिक पॉइजन्स के कुछ एग्जाम्पल एंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका सेकेंड क्वेश्चन था वो था टू आइडेंटिकल ट्विंस हैव सेम तो यहाँ पर आपको बताना था जो दो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें क्या चीज़ सेम होती है तो इसमें आपके पास चार ऑप्शंस थे जिसमें से जो आपका फर्स्ट था डीएनए कॉपीज तो जो डीएनए कॉपीज होती हैं वो तो जितने भी आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली सेम होगा ही होगा ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इसके अलावा जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो सभी के डिफरेंट होते हैं तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता आंसर में ईयर प्रिंट्स वो भी सबके डिफरेंट होते हैं लिप प्रिंट्स भी सबके डिफरेंट होते हैं ठीक है तो ये सारे के सारे आपके डिफरेंट होते हैं लेकिन जो डी कॉपीज होती हैं वो सारे की सभी की जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनकी सेम होती है तो इस वजह से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ डी कॉपीज ठीक है बाकी ये जितने फिंगरप्रिंट्स प्रिंट्स ईयर प्रिंट्स लिप प्रिंट्स होते हैं इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है तो इसको डिटेल में बहुत अच्छे से हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एक एक करके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ठीक है अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था टू आइडेंटिकल ट्विंस विल नॉट हैव सेम इससे पहले क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि कौन सी आइडेंटिकल ट्विंस में क्या क्या चीज़ें सेम होती हैं यहाँ पर आपको बताना है कि जो आइडेंटिकल ट्वेंस होते हैं उनमें क्या चीज़ सेम नहीं होती है तो यहाँ पर जो डीएनए कॉपीज़ होती है वो आइडेंटिकल ट्वेंस में बिल्कुल सेम होती है ब्लड ग्रुप भी उनका सेम होगा आयरिस कलर भी उनका सेम होता है लेकिन जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो उनके डिफरेंट होते हैं ठीक है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि आपके फिंगरप्रिंट्स जो रहते हैं आइडेंटिकल ट्वेंस में वो डिफरेंट होते हैं तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है डीएनए कॉपीज़ ब्लड ग्रुप आयरिस कलर जो रहता है वो आपका आइडेंटिकल ट्स में सेम रहता है तो अगर आपके पास कोई केस आता है जहाँ पर आइडेंटिकल ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है तो उसके लिए आपको डीएनए कॉपीज़ या फिर ब्लड ग्रुप या फिर आयरस कलर की हेल्प से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री एंड अभी हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर है तो यहाँ पर क्या था फॉर डी एन ए सैम्पल कलेक्शन विच प्रिजर्वेटिव इज़ बेस्ट तो यहाँ पर आपको बताना है कि डीएनए सैंपल के कलेक्शन करने के लिए कौन सा प्रजर्वेटिव बेस्ट रहता है डीएनए सैंपल के कलेक्शन के लिए कौन सा प्रजर्वेटिव बेस्ट रहता है तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है सिट्रेट ई फॉर्मल डिहाइड एंड फ्लोराइड ठीक है तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ ई डी टी डी टी ए जो रहता है वो डी एन ए सैम्पल के कलेक्शन के लिए बेस्ट प्रिजर्वेटिव होता है ठीक है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर ईडीटीए की जो फुल फॉर्म रहती है वो होती है इथाइलिन डाईमीन ट्राई एस्टिक एसिड ठीक है तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ईडी रहता है वो डी एन के कलेक्शन के लिए बेस्ट प्रिजर्वेटिव होता है बाकी अगर हम जनरल किसी बॉडी फ्लूड की बात करें जितने भी बॉडी फ्लूड्स होते हैं जनरली उनको सोडियम फ्लोराइड में उसमें ज, 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 जो सोडियम फ्लोराइड रहता है एफ़ होता है उसमें इनको प्रिजर्व किया जाता है जितने भी तरह के आपके बॉडी फ्लूड्स रहते हैं उनको जनरली सोडियम फ्लोराइड में ही प्रिजर्व किया जाता है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं तो वो सारे क्या क्या होते हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में जब हम वो सेपरेट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ठीक है अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड यहाँ पर जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो था विच इज़ द बेस्ट मैथड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन तो यहाँ पर आपको बताना था कौन सा मैथड जो है वो बेस्ट मैथड है किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए तो यहाँ पर चार ऑप्शन सर इसमें सबसे पहला था एंथ्रोपोमेट्री एंथ्रोपोमीट्री था सेकेंड था फोटोग्राफी थर्ड था हैंड राइटिंग एंड फोर्थ था डेक्टाइलोग्राफी एंथ्रोपोमीट्री क्या होता है जहाँ पर आपके सारे बोन्स का मेजरमेंट लेके और बहुत सारे उसमें अलग अलग तरह के मेजरमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पर किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी का फाइंड आउट किया जाता है फ़ोटोग्राफी में आप सिंगल सिंपली फोटोग्राफ लेते हैं एंड उससे आप फिजिक उससे आप मैच करते हैं फ़ोटोग्राफी की हेल्प से वो होता है हैंड राइटिंग में किसी भी पर्सन की हैंड राइटिंग को लिखवा लिया जाता है दो से तीन चार बार उसके बाद में उसको मैच किया जाता है जो भी आपके पास क्वेश्चन सैम्पल है जो भी आपके पास अवेलेबल है पहले से उसके साथ में डेक्टाइलोग्राफी क्या रहता है डेक्टाइलोग्राफी जो होता है उसमें फिंगर की स्टडी की जाती है डेक्टाइलोग्राफी में आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनकी स्टडी करी जाती है एंड आप सभी को पता होगा कि जितने भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सभी के डिफरेंट होते हैं वो किसी से भी आपके मैच कर ही नहीं सकते क्योंकि वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है बेस्ट मेथड है जिसकी हेल्प से आप किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है आपका डेक्टाइलोग्राफी क्योंकि फिंगरप्रिंट्स से अच्छा और कोई बेस्ट एविडेंस होता ही नहीं है किसी भी आपके वो जो भी इंडिविजुअल है जो भी आपका कल्परेट है व्यक्ति में है, जो भी उसको आइडेंटिफाई करने किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने का जो बेस्ट एंड चीप मेथड रहता है जो सबसे सस्ता उसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्या टेक्निक्स जैसे आपको डीएनए की है जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेक्नीस को कॉस्ट इफेक्टिव रहता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट वगैरह ज़्या यूज़ होती है लेकिन जो आपका फिंगरप्रिंट्स रहता है तो वहाँ पर आपका बहुत ही ज़्या ज़्यादा सस्ता रहता है वहाँ पर इतना आपको कुछ भी बहुत सारी टेक्नीस का बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं करना होता है वो बहुत ईजी मैथड रहता है एंड आप उससे बिल्कुल एक्यूरेटली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं जैसे कि आपका डीएनए वाला ऑप्शन तो वहाँ पर तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं जैसे कि आपका जो आइडेंटिकल ट्वेंट्स होते हैं तो वहाँ पर आपकी डी कॉपीज सिमिलर होती हैं लेकिन जो आपकी डेक्टाइलोग्राफी रहती है फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो आपके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ डेक्टाइलोग्राफी डेक्टाइलोग्राफी क्या होता है आपकी फिंगरप्रिंट्स की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं डेक्टाइलोग्राफ़ी ठीक है फिर हम अभी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी से रिलेटेड तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी इज सीन इन केस ऑफ पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी जो रहती है वो किस केस में आपको दिखाई देती है जिस जो, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं पहला है आपका टीटनेस टीटनेस में आपको पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी दिखाई देती है सेप्टिसीमिया के केसेस में भी आपको दिखती है एंड इस पॉइजनिंग में भी आपको पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी देखने को मिलती है तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ ऑल ऑफ डीज यहाँ पर जितने भी आपके केसेस दे रखे हैं इन सभी में आपको पोस्ट मॉस पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी देखने को मिलती है टीकनेस सेप्टीसीमिया स्ट्राइचिन पॉइजनिंग इन सभी में हमें पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी देखने को मिलती है अभी हम देख लेते हैं कि पोस्ट मार पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी जो है वो होती क्या है सो बेसिकली इट इज़ अ फिनमिना वेअर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ कॉप्स राइजेज और रिमेन्स यूजली हाई फॉर अप टू टू आवर्स आफ्टर डेथ इंस्टीड ऑफ फॉलिंग तो इसमें क्या रहता है जब किसी किसी भी इंडिविजुअल की डेथ होती है तो उसमें क्या है जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो अचानक से राइज कर जाता है एंड वो हाई रहता है वो ज़्यादा ही रहता है एटलीस्ट टू आवर्स तक तो उन केसेज में आपको पोस्ट पोस्टमार्टम कैलरीसिटी देखने को मिलती है जिन केसेस में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है डेथ होने के बाद में टू आवर्स तक ज़्यादा हो जाता है बेसिकली इसमें क्या रहता है इट मे बी ऑब्जर्व्ड इन डेथ्स रिजल्टिंग इन एस्फिक्सिया जितनी भी एस्फिक्सिया पॉइजनिंग के केसेस होते हैं उन सभी में आपको कैलिसिटी देखने को मिलती है जो एस्फिक्सियल पॉइजनिंग होती है वो आपकी धतूरा अल्कोहल एंड स्ट्राइचीन की वजह से होती है सेप्सिस बैक्टीरिसीमिया एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज़ लाइक येलो फीवर रेबीज़ रेमेटिक फीवर कॉलरा टिकनेस स्मॉल पॉक्स देन मैनजाइटिस पेरेटनाइटिस नेफ्राइटिस ब्रेन स्टेम हैमरेज स्पेशली पॉन्टीन हैमरेज इंट्राक्रेनियल इंजरीज लिवर एप्सीज सन स्ट्रोक एक्सेट्रा तो जहाँ पर भी आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो अचानक से इंक्रीज हो जाता है आफ्टर डेथ उसके बहुत सारे रीजनस होते हैं आपकी जो स्किन रहती है वहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस करता है जिस वजह से वहाँ पर आपको पोस्टमार्टम कैलरिसिटी देखने को मिलती है तो यहाँ पर ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिन जिन केसेस में आपको कैलरिसिटी देखने को मिल सकती है तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसको और डिटेल में पूरा प्रॉपर इसको इसका क्या सीक्वेंस रहता है किस किस तरह से होता है तो इसको हम बहुत अच्छे से जब हम स्टार्ट करेंगे फोरेंसिक मेडिसिन तो वहाँ पर उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे पूरा डेथ इन्वेस्टिगेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसको प्रॉपर्ली अच्छे से देखेंगे ठीक है अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने जो रूल ऑफ हैस होता है वो किससे रिलेटेड होता है सो बेसिकली ये जो आपके हेसेज़ रूल रहता है ये आपका फ़ीटस की एज को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड होता है यहाँ पर आपके सामने और भी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल भी गलत हैं इसका इन सब से कोई रिलेशन नहीं होता है ये सिर्फ़ आपका जो रूल रहता है ये आपका एज जो रहती है फ़ीटस की उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो यहाँ पर ये यह हो गया एंड इसके बारे में अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें है या बेसिकली ये रूल क्या होता है सो so, जो यहाँ पर कार्ल फिडरिच हैं एक साइंटिस्ट थे इनका जो नाम है कार्लफेडिज हेसेज इनका जो नाम है वो इस रूल से एसोसिएटेड है इसमें क्या रहता है एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जो कि सजेस्ट करता है एज ऑफ ह्यूमन फीटस का या फिर जो भी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी लेंथ से एंड फ़ीटल लेंथ इस जो मेज़र करी जाती है वो सेंटीमीटर्स में मेज़र करते हैं एंड ये जो फॉर्मूला यूज़ करा जाता है ये उन केसेस में यूज़ करा जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट थ्री टू फाइव मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी इस केसेस में ये वाला रूल यूज़ किया जाता है जहाँ पर आप किसी भी ह्यूमन फीटस के न्यूबॉर्न की आप एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है इसके लिए एक प्रॉपरली एक एक, एक फार्मूला यूज़ किया जाता है वो फार्मूला भी हम उसको डिस्कस करेंगे ये रूल ऑफ है क्या होता है इसके बारे में बहुत ही डिटेल में समझेंगे जब हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका पूरा किस किस केसेस में किस किस तरह से क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है एंड बहुत सारी इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड और ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो उनको पूरा हम उस वाले वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे ठीक है अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस किस केस में इसको यूज़ किया जाता है सो so बेसिकली जो एज रहती है फीटस की एज आइडेंटिफाई आगे, करी जाती है तो so, ये जनरली बहुत सारे केसेस में रहती है जैसे कि क्रिमिनल एबॉशन होता है इन्फेंटिसाइड होता है स्टिल बॉर्न या फिर डेड बॉर्न बेबी होता है या फिर फैब्रिकेटेड एबॉर्शन या फिर अडॉपशन के केसेस रहते हैं तो इन सारे केसेस में जो रूल ऑफ हैस होता है इसका यूज़ किया जाता है फीटस की एज को आइडेंटिफाई करने के लिए ठीक है अभी ये कैसे कैसे करते हैं इसको हम बाद में बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे ठीक है अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज नॉट सीन इन फिंगरप्रिंट्स तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा फिंगरप्रिंट्स में आपको देखने को नहीं मिलता है तो जैसे कि जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसमें आपके बेसिकली फोर टाइप्स के आ, आपको पैटर्न्स देखने को मिलते हैं एंड फोर्थ में भी आपके अलग अलग तरह के चार रहते हैं तो इसका पूरा क्लासीफिकेशन रहता है वो भी बाद में बहुत अच्छे से समझेंगे हम इसको तब तक बेसिक देख लेते हैं जो आपके लूप रहते हैं वो लूप किस तरह से रहते हैं या तो आपके राइट हैंड जिस तरह से रहते हैं या फिर आपके लेफ्ट हैंडेड इस तरह से रहते हैं ठीक है ये रहते हैं आपके इस तरह से लूप वर्ल्स की बात करें तो वर्ल आपके एक सर्कुलर पैटर्न में इस तरह से कुछ रहते हैं ठीक है ये आपके पूरे सर्कल सर्कल भी रह सकते हैं ठीक है मतलब जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको सर्कुलर पैटर्न में देखने को मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं वर्ल सर्कल की बात करें तो सर्कल जैसा इसमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट्स में फिंगरप्रिंट्स में सर्कल जैसा कोई भी पैटर्न नहीं होता है सर्कल जैसा दिखने वाला जो पैटर्न होता है उसको तो हम वर्ल्ड बोलते हैं तो इसलिए जो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपको फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न्स में देखने को नहीं मिलता है वो है आपका सर्कल्स तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन सर्कल्स है अभी हम देख लेते हैं जो आर्चेज होते हैं आर्चेज बेसिकली क्या रहते हैं आर्चेज़ आपका पैटर्न जो रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है जहाँ पर आपको डेल्टा या फिर जो आपका कोर ऑफ पैटर्न होता है वो आइडेंटिफाई नहीं होता है तो उन सभी को हम बोलते हैं आर्चेज अभी ये डेल्टा क्या होता है कोर क्या होता है ये सारी की सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में फिंगरप्रिंट्स वाला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर पूरा बहुत ही डीपली इसको हम समझेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि जो सर्कल रहता है सर्कल जैसा पैटर्न कोई भी फिंगरप्रिंट में आपको देखने को नहीं मिलता सर्कल जैसा दिखने वाला जो पैटर्न होता है उसको हम World बोलते हैं ठीक है अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फोमी लीवर इज सीन इन केस ऑफ जो फोमी लीवर हो जाता है वो किस तरह के केसेस में आपको देखने को मिलता है सो so, यहां पर आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं तो एडिपोसियर में ऐसा कुछ नहीं होता है ममिफिकेशन में भी नहीं होता है ड्राउनिंग के भी केस में नहीं होता है प्योट्रिफिकेशन के केस में आपको फोमी लीवर देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी एंड ये सभी क्या होते हैं इनको बहुत ही डीपली हम वापस से जब ये हम स्टार्ट करेंगे फॉर मेडिसिन तो वहाँ पर बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड पूरी डिटेल में इसको बहुत ही अच्छे से इसका पूरा एक चार्ट भी रहता है इसका एक ग्राफ रहता है एक कर्व बनता है इसमें तो उसकी हेल्प से बहुत ही अच्छे से हम इसको समझेंगे लेकिन अभी नहीं बाद में क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन वो था सिफेलिक इंडेक्स इज यूज टू डिटरमाइन तो यहाँ पर जो आपका सिफेलिक इंडेक्स रहता है वो बेसिकली आपका रेस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है एज नहीं जेंडर नहीं एंड एथेनिसिटी भी नहीं जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज रेस सिफेलिक इंडेक्स आपका रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है ठीक है तो अभी हम देख लेते हैं कि सिफेलिक इंडेक्स जो रहता है वो क्या होता है एंड उसका क्या फॉर्मूला होता है सो so, जो आपका सिफेलिक इंडेक्स रहता है वो बेसिकली आपके जो स्कल होता है स्कल का मेजरमेंट किया जाता है उससे एक वैल्यू निकल के आती है जिसको कि हम बोलते हैं सिफेलिक इंडेक्स उसकी जो वैल्यू निकल के आती है उसकी हेल्प से हमको रेस का डिटर्मिनेशन किया जाता है ठीक है तो जो आपका सिफेलिक इंडेक्स होता है उसको हम क्रेनियल इंडेक्स भी कहते हैं सिफेलिक इंडेक्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आपके सामने ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पेल्वी मीटर ठीक है तो जो पेल्वी मीटर होता है इसकी हेल्प से आपको पूरा जो आपका स्कल होता है उसका आइडेंट उसका मेज़रमेंट लेना होता है यहाँ से यहाँ पर इसमें ये जो रहता है इसमें आपकी स्केल होती है पूरा इसमें नंबरिंग पड़ी रहती है एंड ये मूव करते हैं यहाँ पर आपके पॉइंटेड पौ, एंड्स नहीं होते हैं मोल्टेन एंड्स होते हैं जिससे कि आपका जो स्कल को आप मेज़र करेंगे तो उसमें कुछ डैमेज कॉज ना हो ठीक है एंड इसमें आप ये जो ये एक साइड रहती है इसको आप मूव कर सकते हैं इस स्केल के ऊपर ठीक है तो इस तरह से ये आपका पेल्वी यूज़ किया जाता है पेल्वी जो रहता है आपका सिफेलिक इंडेक्स का फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है जो मेज़रमेंट्स निकलते हैं उसके लिए किया जाता है ठीक है तो अभी हम देख लेते हैं इसमें इसमें जो मेजर इसका जो फार्मूला यूज़ करते हैं हमने मेज़रमेंट तो ले लिया ले लेकिन मेजरमेंट हमें कौन सा लेना है तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए तो सिफेलिक इंडेक्स के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो रहता है आपका सिफेलिक इंडेक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम विथ अपॉन मैक्सिमम लेंथ एंड टोटल को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है सो तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्कल है ठीक है सपोज करिए ये आपका स्कल है स्कल में एक साइड आपकी जो बैक साइड रहता है स्कल का इस तरह से कुछ रहता है और मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ठीक है तो इस तरह से कुछ आपका स्कल रहता है यहाँ पर आपकी पेराइटल बोन्स जो होती हैं वो कुछ आपकी यहाँ पर यहाँ का एरिया कुछ ब्रॉडर रहता है ठीक है तो जब आप पैलवी से इसको मेज़र करते हैं मेज़र क्या करते हैं जो आपके यहाँ पर पैराइटल पर पर बोन्स होती हैं वहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम विथ जहाँ पर मिल रही होती है इसी जगह पर कुछ आपको मैक्सिमम विथ देखने को मिलती है वो आपको मेज़र करके यहाँ पर लिखनी होती है ठीक है उसके बाद में आपको क्या मेजर करना होता है आपको यहाँ पर मेजर करना होता है ये आपका फ्रंटल एरिया होता है ये आपको ऑसिपिटल एरिया होता है यहाँ पर आपकी ऑसिपिटल बोन होती है यहाँ पर आपकी फ्रंटल बोन होती है तो यहाँ पर आपकी ऑसिपिटल बोन पर एक पॉइंट होता है ऑसिपिटल प्रोट्यूब ठीक है ऑसिपिटल प्रोट्यूब जो रहता है वो आपके स्कल के बैक में उभरा हुआ पोर्शन होता है जो कि आपकी मैक्सिमम लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है जब आप मेज़र करते हैं तो यहाँ से आपके फ्रॉन्टल से प्रोट्यूबरेंस तक की लेंथ को काउंट करते हैं उसको मेज़र करते हैं एंड उसकी जो जो भी मेज़रमेंट आती है उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है एंड टोटल को जब इसकी जब आप डिवाइड कर देते हैं इसको तो उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आपकी सिफेलिक इंडेक्स होता है एंड ये सिफेलिक इंडेक्स जो रहता है आपके रेस को डिटरमाइन करने के लिए रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है तो इस तरह से आपका निकलता है सिफेलिक इंडेक्स एंड आई होप आपने ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है पेल्वी मीटर इसको अगर आप फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट तो ऑब्वियसली आपने इसको कहीं ना कहीं इसको पढ़ा ज़रूर होगा एंथ्रोपोलॉजी में क्योंकि इसका आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा तो इसका तो आ, मतलब बहुत ही ईजी यूज़ होता है बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है बहुत ही आराम से आप इसको हैंडल कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको सिफेलिक इंडेक्स के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है ये फॉर्मूला ज़रूर से याद कर लीजिएगा ये आपको फॉर्मूला बहुत हेल्प देगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता जरूर है इस तरह से क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को मिल ज़रूर जाता है ठीक है तो जितने भी तरह के इंडेक्सेस होते हैं वो सारे, सारे के सारे मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसी तरह से एक एक करके कवर करवा दूँगी ठीक है तो यहाँ पर वाला वीडियो कंप्लीट होता है एंड इसकी पीडीएफ जो है आपको फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको जस्ट इस uh, लिंक पर क्लिक करना है एंड आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाएंगे अगर आप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा एंड इस लिंक से आप नहीं पहुँच रहे हैं तो सिंपली आपको गूगल करना होगा या फिर आप फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप सिर्फ सेवी फोरेंसिक डालकर सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है एंड uh, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए एंड सभी लोग अपनी नेट की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकें और ज़्यादा बूस्ट कर सकें ठीक है एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर